नमस्कार दोस्तों, आज कुछ सीरियस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ मैं आपको। सीधी सी बात में ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप गेमिंग के लिए लैपटॉप लोगे तो मत लीजिए, क्योंकि लैपटॉप गेमिंग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैंने यही सोच के ये मेरा एसर प्रेडेटर हेलियोस 300 है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये मतलब ख़तरनाक, मैं छू नहीं सकता, इतना गर्म हो गया ये। इसका जो टेम्परेचर है वो 95 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलता है। दोस्तों सोच लो भाई कितना गर्म है। मुझे पता नहीं कि ये 2 साल मैंने कैसे चला लिया इस लैपटॉप को, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ओवरहीट करता है। फिलहाल मैंने इसको रीसेट कर दिया है, मतलब हर 2 महीने में एक बार तो मुझे इसे रीसेट मारना ही पड़ता है, और वो भी छोटा मोटा रीसेट नहीं, पूरा ख़तरनाक वाला रीसेट जिसमें सारे फाइल्स डिलीट होके एकदम जैसे कि पीसी नया आता है ना, वैसा फैक्ट्री रीसेट इसको हम बोल सकते हैं। बहुत कोशिश की मैंने इसको, मैंने बहुत सारे इसको ओवरक्लॉकिंग वाले वीडियो देखे, उसके बाद और भी होते हैं ना, अंडर वोल्ट, ओवर वोल्ट, बहुत सारे वीडियो देखे। यहाँ तक कि मैंने इसका जो नीचे वाला पार्ट है इसको खोल के मैंने इसके फैन वैन साफ़ किए और इसमें थर्मल पेस्ट भी लगाया, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो, मैं कुछ ना भी करूँ ना, मैं बस लैपटॉप को ऑन छोड़ देता हूँ तब भी जो इसका टेम्परेचर है वो 92 डिग्री तो चले ही जाता है, मतलब कुछ ना करके भी 92 डिग्री चले जाता है। और अभी जनवरी का महीना चल रहा है, मतलब फरवरी आने वाला है, जनवरी चल रहा है, तो आप सोच ही लो कि ठंडी के मौसम में ऐसा है तो जब गर्मी पड़ेगी, और वैसे भी मैं कलकत्ता में रहता हूँ तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो उस हिसाब से मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आप सोच रहे हो। वैसे बाय द वे ये मैंने लिया था 110,000 में, इसका ओरिजिनल प्राइस है 150,000, बट ये ऑफर में था तो मैंने ले लिया था। लेकिन अगर मैं 110,000 से कोई पीसी बिल्ड करता, अगर कुछ सीपीयू में कुछ अलग से चीज़ करता, तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा होता है मेरे लिए। अब मुझे पता नहीं कि मैं इसको, मतलब इसको लेके सच्ची में बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ, क्योंकि एक तो इसमें गेमिंग बहुत ही ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा, मतलब नॉर्मल गेम भी अगर आप खेलोगे ना, 2015 के गेम भी आप खेलोगे तो वो ऐसा फ्रेम ड्रॉप होगा उसमें, आपको लगेगा कि मैं क्यों खेल रहा हूँ इसको। लो ग्राफिक्स की बात बता रहा हूँ मैं, और नए गेम्स को छोड़ ही दो। हाल ही फिलहाल में मैंने इसमें स्पाइडरमैन माइल्स मोरेलिस वाला जो गेम है उसको मैंने खेल के कंप्लीट किया है लाइव स्ट्रीम में, आप वो वीडियो देख सकते हो। वीडियो देखने के बाद वो मैं लो में खेल रहा था, और वीडियो में आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा मुश्किल से मैंने वो गेम खेला है। हालांकि वो वीडियो ठीक ठाक चला था, लेकिन गेम खेल के मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया दोस्तों, और ये गेमिंग पीसी है। एडिटिंग वेडिटिंग अगर करोगे तो ठीक है, वैसे एडिटिंग तो काफ़ी हद तक हो जाता है, लेकिन मेन जो इसका गेमिंग ना, बिल्कुल भी वो नहीं है, गेमिंग के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं। आप इसकी फ़ैन की आवाज़ सुन सकते हो, फ़ैन की आवाज़ सुनिए आप, ये इसका फ़ैन का आवाज़ है जब ये रीसेट हो रहा है। मतलब सोचो जब मैं इसमें इंटेंस गेमिंग करूँगा तो फ़ैन का आवाज़ कहाँ पे कहाँ पहुँच जाएगा, बहुत ही मतलब कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ये। आप प्लीज़ लैपटॉप मत लेना, कम से कम ये वाला लैपटॉप तो मत लेना अगर आपको गेम के लिए चाहिए तो। फिलहाल गेमिंग के लिए आपको लैपटॉप लेना ही नहीं चाहिए, आप अपना पीसी बिल्ड कीजिए, वो ज़्यादा कम्फर्टेबल, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी बस यही कहना था मुझे, एसर प्रेडेटर हेलियोस अच्छा नहीं है बिल्कुल।